Morning, all of you. How are you all? Fine? Very good. So, today, take it out this marigold workbook. Textbook नहीं, workbook आपको निकालनी है. उसमें आज हम कौन सा चैप्टर का रिटर्न वर्क देंगे? यूनिट नंबर वन, चैप्टर नंबर वन, आइसक्रीम मैन. अपना आइसक्रीम मैन का जो चैप्टर टेक्स्टबुक में देखा, वो ही उसका रिटर्न वर्क आप इसको वर्कबुक में देना है. सो टेक इट आउट दिस बुक एंड ओपन अ चैप्टर नंबर वन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन विच सीजन इज आइसक्रीम मैन आइसक्रीम इज पॉपुलर? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन. हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग आइसक्रीम मैन? द चिल्ड्रन फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज इन हिज कार्ट. द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज आर वेनिला, chocolate and strawberry. What are the two things that the ice cream man is selling? Ice cream man is selling ice cream man and chili drinks. What is the ice cream man cart compared in the poem? Poem, the ice cream man cart is compared to a flower bed. Okay, now turn your page number. Now see this page number 6. In a what way do the children cluster around the ice cream man? As a thing, as a honeybees, the children cluster around the ice cream man. Okay, abhi exercise B. MCQs. On a hot summer days, who goes struggling down the street with? Is a little cart. Option A, the ice cream man. Main tick karo. What is the color of bottles full of frosty fizz? कौन से colors थे bottles में? Green, orange, white और pink सभी थे. तो all of this में tick करोगे. The way the children cluster around is as a thing as a honeybees. Option A के सामने हमको tick करना है. Okay? फिर जो क्वेश्चन नंबर सी है, स्टेट द ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स आपको यहाँ पर करना है. द आइसक्रीम मैन कम्स एट अ लाइटनिंग स्पीड. फॉल्स. देयर इज एन अम्ब्रेला अबाउट द कार्ट. यस, अम्ब्रेला था. ट्रू. द साइट अराउंड द आइसक्रीम मैन कार्ट इज सेट. फॉल्स. फिर ये जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर डी, वो आपको करना है पूरा पेज नंबर 7 तक. ओके, अभी पेज नंबर 8 ओपन करो. ये जो एक्सरसाइज है एफ जो पूरी, फिर पेज नंबर 9 पे हमने ये जो जी एक्सरसाइज है, फिर ये जो वाली है वो ऑलरेडी आपने टेक्स्ट बुक में कर ली है. सेम टू सेम वो ही एक्सरसाइज आपको यहाँ पे फिर से कंप्लीट करनी है वर्कबुक में पेज नंबर 9 में. ओके, फिर पेज नंबर 10 भी देखो, उसमें भी जो एक्सरसाइज है कलर द फ्लेवर्स, जो जो फ्लेवर्स है उसके कलर्स करने हैं आपको. यहाँ पर मैंने समझाया था ना टेक्स्ट बुक में, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर है तो बॉक्स में चॉकलेट कलर करना है, ऑरेंज दिया हुआ है तो इसमें ऑरेंज बॉक्स करना है. तो जो जो फ्लेवर्स है उसमें जो जो कलर दिया हुआ है वो आपको करना है. और ये जो पिक्चर्स के नंबर्स यहाँ पर आपको देने हैं वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हो. तो ये जो सेम टू सेम एक्सरसाइज है वो आपको इसमें फिर से कंप्लीट करना है. और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें मैंने क्रॉस किया हुआ है वो आपको नहीं करना है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ये कंप्लीट कर लेना अपनी वर्कबुक में. ओके, थैंक यू सो मच.